और यहाँ पे जो हॉस्टल फैसिलिटीज है वो कैसी है और क्या है यहाँ पे, सेफ कैसे लगता है आपको? बतूमी इज अ सेफ सिटी? ये पूरा भोलेबाज एरिया है तो बीच साइड है। हाई एवरीवन, दिस इज युक्ति बेलवाल और इस वक्त मैं बातूमी सिटी में हूँ और ये मेरे पीछे है बातूमी स्टेट यूनिवर्सिटी शुतुरुस्तवली और मेरे साथ स्टूडेंट है मेरी सान्या जो कि यहाँ पे पढ़ रही है फर्स्ट ईयर में। थोड़ा सान्या से पूछेंगे, वॉक करते करते बात करते हैं, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि एक जगह बात करना है। तो सान्या, आपने अभी बताया भी हमें कि काफ़ी अच्छा आपको लग रहा है यहाँ पे और काफ़ी डेवलपमेंट्स भी हो गए, काफ़ी भी हो गए, तो कैसा एक्सपीरियंस है अभी तक, कैसा सिटी के बारे में क्या सब है? लाइक जब मैं स्टार्टिंग में आई थी इट वाज लाइक वेरी डिफरेंट, वेदर भी बहुत अलग था, तब रेनी एंड थोड़ा विंटर था और अभी वेदर में भी काफ़ी डिफरेंस है। एंड यूनिवर्सिटी के टाइम पे आप यूनिवर्सिटी की इतनी एक्टिविटीज़ होती है, असेसमेंट्स हो गए, मिड टर्म्स एंड फाइनल्स, वो टाइम 4 मंथ्स कैसे निकला पता नहीं चला। हम खुद जब हम लास्ट फाइनल एग्जाम्स हमने दिए थे हमारे, अभी वाले फर्स्ट सेमेस्टर हो गया है, अभी तो आए थे एंड हो गया। तो यूनिवर्सिटी के साथ कंटिन्यूसली असेसमेंट्स, टीचर्स के साथ क्लासेस एंड ओपन प्रोग्राम्स काफ़ी होते हैं यूनिवर्सिटी में। लाइक आई स्टिल रिमेम्बर हमारा फर्स्ट ओपन प्रोग्राम था प्लास्टिक सर्जरी पे एंड ब्रेस्ट इम्प्लांटेशन एंड उन सब चीज़ों पर, काफ़ी सारे ओपन प्रोग्राम्स एंड एनजीओ प्रोग्राम्स भी काफ़ी होते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। और यहाँ पे जो हॉस्टल फैसिलिटीज़ है वो कैसी है और क्या है यहाँ पे? हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी काफ़ी अच्छी है, लाइक खाना, एयर कंडीशनर रूम्स और एनवायरमेंट। और हमारे को जो है वो एक जॉर्जियन है जो हमारा टेक केयर करती है एंड वो बहुत अच्छी, लाइक इवन दो उनको नहीं पता कि हमें क्या पसंद है खाने को, स्टिल वो कुछ ना कुछ हमारे साथ, लाइक इवन तो हमारे बर्थडेज हो गए सबको इतना अच्छे से ऑर्गेनाइज करती ना ताकि ऐसे घर का कहीं भी फीलिंग ना आए कि घर से दूर है। और आप इंडिया में बताओ कहाँ से हो? मैं इंडिया में राजस्थान से हूँ, उदयपुर, लेक सिटी के नाम से काफ़ी फेमस है वो, सिटी ऑफ लेक, सिटीज ऑफ लेक। ओके, अभी आपने बताया कि यहाँ पे आपका अभी फेस्टिवल हुआ था, कोई फेस्ट हुआ था? अग्नि फेस्ट, वो हमारे सीनियर्स MD4 जो थे, अल्लाह के शुक्र से उनका भी ग्रेजुएशन हो चुकी उनकी एंड उन्होंने वो फेस्ट ऑर्गेनाइज करा था हम सब के लिए। तो लाइक काफ़ी दिन चला था, इवन दो उस फेस्ट में काफ़ी गेम्स भी थे, वॉलीबॉल मैच, क्रिकेट मैच एंड फुटबॉल मैचेस सब हुए थे, इवन दो बहुत सारी विनिंग टीम्स एंड सब था। यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में काफ़ी बड़ा लाइक 12 आवर्स इवेंट चला था। really? वो हमारा मॉर्निंग में चालू हुआ था 10 बजे, आई स्टिल रिमेम्बर, फिर हम रात को 10 बजे यहाँ से गए बाहर। सो जो ये एरिया है बहुत अच्छा है और यहाँ मैं पहले भी ऑफकोर्स आ चुकी हूँ, आप लोगों ने मेरी पहले की वीडियो देखी होगी। अभी इस वक्त बहुत धूप है और टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म है इस वक्त, लेकिन जब भी ठंडा मौसम होता है या फिर रेनी सीजन होता है तो ये और सुंदर लगता है और बियरेबल होता है हमारे लिए। सामने आपका ये देखो कितना तो सुंदर बीच है, ये आपको कैसा लगा? ये सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट है क्योंकि क्लासेस काफ़ी लंबी चल जाती हैं कभी कभार, कि जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं इवन दो बायोकेमिस्ट्री एंड ऑल, वो क्लासेस वो एक जो उनका फिर जो 20 मिनट्स का ब्रेक होता है, दिस प्लेस गिव्स यू द वाइब कि हाँ आप रिलैक्स कर सकते हो उस टाइम पे, कि बीच पे चले गए थोड़ी देर बैठ गए फिर वापस बैक टू द क्लास, तो ये चीज़ सबसे अच्छी है। एंड फ्रॉम वॉकिंग यहाँ से आप घर तक वॉक करके जाए, इट्स वेरी गुड। ओके, ये सेफ कैसे लगता है आपको? बतूमी इज़ अ सेफ सिटी कैसे? बतूमी इज़ अ वेरी सेफ सिटी, इवन दो रात को भी टू बी ऑनेस्ट में इतना निकली नहीं रात को कभी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हॉस्टल टाइमिंग्स रूल्स आर रूल्स, बट स्टिल आप बेझिझक जब आपकी मतलब क्लास खत्म होती है एग्जैक्टली बसेस आर देयर टिल 11 o'clock। ओके, आपको बसेस है, बस कार्ड्स होंगे आपके, टैप एंड बहुत सेफ है, बहुत ज्यादा सेफ है। इवन दो जॉर्जियंस आर वेरी हेल्पफुल इन दिस कि अगर आप अकेले हैं सब है तो इट्स वेरी सेफ। बातूमी तो आती भी सेफेस्ट सिटीज। पेरेंट्स से आप रेगुलरली बात करते रहते हो? जी, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन तो होगा नहीं कि भाई एक्चुअली क्या होता है कई जगह एप्स ये ब्लॉक है वो ब्लॉक है? नहीं नहीं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है यहाँ पे, ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। इवन दो बहुत इजी है, मेरी मम्मा को बहुत पसंद है ऐसा घूमना बीच साइड्स, तो इट्स वेरी कि मैं कभी भी बाहर गई हूँ उनको वीडियो कॉल्स पे दिखाना एंड ऑल,
तो वो काफी इंजॉय करती वो वहाँ पे एंड शी वाज लाइक आऊंगी जरूर आऊंगी मैं। और यहाँ पे आपका हॉस्टल नजदीक ही होगा, कोई दिक्कत तो होती नहीं? नहीं नहीं, बस सारी क्लासेस यहीं होती हैं, सारी क्लासेस यहीं होती हैं। इवन दो हमारा जब रेडियोलॉजी था हमारे को हॉस्पिटल्स जाने रहता था क्योंकि और ये सबसे और हमारा बैच है क्योंकि हमें पता चला कि सिर्फ हमारा अभी अभी शुरू हुआ है हॉस्पिटल्स का फर्स्ट सेमेस्टर में, वरना सीनियर्स कहते हैं कि हम लोग कभी फर्स्ट सेमेस्टर में हॉस्पिटल नहीं गए हैं। आप फर्स्ट सेमेस्टर में चले गए? हम फर्स्ट सेमेस्टर में हमारी तीन क्लासेस रेडियोलॉजी की जो थी वो हॉस्पिटल में लगी थी। सर ने हमारे को हर हर मशीन का एंड एवरीथिंग, सब एक्सरे कैसे निकलता है, हर चीज़ बताया है। That's a good experience. हमारा असिस्मेंट और सब हमारी पूरी रेडियोलॉजी की स्टडीज सिर्फ हॉस्पिटल में हुई है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी में नहीं हुई है। तो आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने पहले भी दिखा रखा है, ये एकदम यूनिवर्सिटी का फ्रंट है और वो है ब्लैक सी जो कि यहाँ से कुछ ही कदम दूर है। और रियली रियली डिफरेंट काइंड ऑफ लोकेशन एक्चुअली। बतूमी की खास बात है कि एक तरफ पहाड़ है एक तरफ समुंदर है, तो माउंटेन और बीच वाले दो जिनको दोनों चीज़ें पसंद है वो बतूमी में आ सकते हैं। सीरियसली यहाँ स्नोफॉल होती है एंड दैट इज समथिंग वेरी डिफरेंट क्योंकि बीच साइड इस पे हमने बहुत रियली देखा है कि स्नोफॉल्स होता है राइट। और यहाँ सिटी में स्नोफॉल होता है, सामने समुद्र और यहाँ पे स्नोफॉल। दिस इज वेरी यूनिक फीचर ऑफ बतूमी। ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है अमित मुझे, लास्ट टाइम मैं इसमें बैठी थी। ये पूरा बोलेवाज एरिया है तो बीच साइड है, आप अपना जैसे इलेक्ट्रिक है स्कूटर्स एंड दिस विद योर फ्रेंड ग्रुप एंड सबके साथ आप पूरा घूम सकते हो, बीच साइड पूरा एंजॉय कर सकते हो इसके साथ। तो इसमें क्या चार्जेस लगते हैं? हाँ जी, इसका चार्ज होगा इसके जो ओनर होंगे, अभी तो ये लॉक्ड है वो लॉक करके रखते हैं इसे। इलेक्ट्रिक है स्कूटर्स, स्कैन आपके हमारे जो बैंक अकाउंट्स हैं जो यहाँ पे मिले हमें उनसे स्कैन करो आप इन्हें, इनका अनलॉक हो जाता है एंड परमानेंट चार्जेस जो होते हैं एंड इट्स वेरी गुड। कब बहुत रिफ्रेश ये जगह पढ़ाई एंड यू आर गेटिंग रिफ्रेश्ड एंड काफ़ी एक्टिविटीज। बातूमी तो आई थिंक सो फेमस है अपनी वेकेशन प्लेसेस के लिए। यस एंड नियर टू अलिनीनो, दिखाते रहो अभी। हाँ नियर टू अलिनीनो वहाँ पे काफ़ी बातूमी फेस्ट होते रहते आए दिन। मतलब एंटरटेनिंग जगह है, पढ़ाई में भी अच्छी है, हॉस्पिटल्स वगैरह में जो ट्रेनिंग चाहिए वो भी आप लोगों को मिलती है यहाँ पे। सो अगर आप जॉर्जिया में एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी देखना चाहते हैं जो अच्छी पढ़ाई हो और ऑफ कोर्स एक लगे कि आप कहीं बाहर आए हैं किसी ब्यूटीफुल सिटी में आए हैं, तो डेफिनेटली इट्स वेरी नाइस एंड वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू फॉर एनी स्टूडेंट टू चूज बतूमी। ठीक है सानिया, थैंक यू सो मच फॉर योर इंटरव्यू फॉर योर टाइम एंड सच अ नाइस स्टूडेंट एंड आई होप कि आप अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से इंशाल्लाह सॉरी आई होप इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे तरीके से, जैसे अभी आपने देखा कितने स्टूडेंट्स हमारे ग्रेजुएट हो रहे हैं स्टूडेंट्स हम मिले, तो ऐसे ही आपसे मैं मिलूँ आफ्टर 6 ईयर्स और इसी तरह आपसे फाइनल फीडबैक। चलिए ओके।